हेलो दोस्तों, तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का असिस्टेंट कोच ही सुपर कप 2023 में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की टीम को संभालने वाला है। लेकिन दोस्तों, सारे ही नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी फैंस का जैसा होप था मैनेजमेंट से कि कोई नया हेड कोच आएगा सुपर कप 2023 में, ताकि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का ये सीज़न बहुत ही अच्छे से ख़त्म हो पाए। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। फ्लोइड पिंटू ही असिस्टेंट मैनेजर है, वो एज अ हेड कोच के तौर पर ही काम करेंगे। तो दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का हेड कोच अभी फिलहाल बहुत ही बड़ा समस्या है। तो स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन का नाम ऐसा सुना जा रहा था कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी अपने टीम में शामिल कर सकती है, क्योंकि ईस्ट बंगाल एफसी उनको रिलीज करने वाली है सुपर कप 2023 के बाद। तो इसका हाई प्रोबेबिलिटी था कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन को अपने टीम में शामिल कर सकती है। लेकिन दोस्तों, अभी फिलहाल हैदराबाद एफसी को छोड़कर मैनेलो मार्कोस रोका एफसी गोवा के लिए साइन कर चुके हैं एक साल के डील पर, और कार्लोस पेना बिल्कुल विदाउट क्लब हो जाएंगे आने वाले सुपर कप 2023 के बाद। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी मैनेजमेंट कार्लोस पेना को अपनी टीम में शामिल कर सकती है। तो कार्लोस पेना 39 वर्ष का है, 4-2-3-1 इनका प्रिफर्ड फॉर्मेशन है। लेकिन दोस्तों, क्या नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी कार्लोस पेना या फिर स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन में से किसी को अपनी टीम में शामिल करेगा या फिर किसी दूसरे कोच को अपनी टीम में शामिल करेगा, ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप सभी का क्या ओपिनियन है, क्या कार्लोस पेना या फिर स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन में से कोई एक को कोच बनाना चाहिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को आने वाले सीजन के लिए? आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन पर बताना। तो चले दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो चले दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।